हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज ऑलमोस्ट मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, बस जितना टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। लेकिन बेटा एमसीक्यूज़ के ज़माने में अनइम्पॉर्टेंट नाम की चीज़ होती कुछ नहीं है, ठीक है ना। जितना अनइम्पॉर्टेंट पेपर होता है हद से ज़्यादा टफ होता है बेटा वो पेपर, ठीक है ना। तो बाबू कल एक लास्ट लेक्चर और लगाएंगे मार्केटिंग पे, फिर इसको एक बार एनसीईआरटी से फटाफट से रीड करेंगे, फिर केस स्टडी, फिर एमसीक्यूज़ और बेटा मार्केटिंग पैक करके रख देंगे, ठीक है ना। अगले अब 3 से 4 दिन और लगने वाले हैं यानी कि टोटल मार्केटिंग में, ठीक है ना। और पैक करके रखेंगे बेटा, दोबारा नहीं उठेगा अभी कभी भी, ठीक है जी। चलो जी, लो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ। उस दिन मैं बोल कर गया था बेटा प्लेस और प्रमोशन, सॉरी प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स पे कुछ बात, और बेटा यही टॉपिक मुझे पहले फिनिश करना है, प्लेस स्लैश फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। बेटा मैंने आपको ये बात बोली थी कि जरूर हम इसको स्लैश करके लिखते हैं, लेकिन बेटा ये ना एक जैसी चीज है नहीं। प्लेस मिक्स बेटा बहुत वाइडर स्कोप रखता है एज कंपेयर टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। प्लेस मिक्स का बेटा एक एम है, कस्टमर को प्रोडक्ट मिलना चाहिए एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट क्वांटिटी। बेटा जब कस्टमर डिज़ायर करे आपके प्रोडक्ट की, जस्ट क्वांटिटी में डिज़ायर करे, जस्ट टाइम पर डिज़ायर करे, उसे उसी प्लेस पर उसी टाइम पर बेटा उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिले, ये एम होता है प्लेस मिक्स का। प्लेस मिक्स इज कंसर्न्ड विद टू थिंग। प्लेस मिक्स में बेटा कुल मिलाकर दो बातें आती हैं। सबसे पहली बात है बेटा सेलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बेटा प्लेस मिक्स दो बातों से कंसर्न करता है। सबसे पहली बात है बेटा सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी बात है बेटा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बेटा पहली बात आराम से समझना, ऑल दो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बस एक बात बोलूँगा और फिनिश कर दूंगा इसको। बेटा किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड होता है, बट कस्टमर इज स्कैटर्ड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। मैन्युफैक्चरर तो एक जगह पर है, कोई सिटी समझ लो बेटा, बेंगलुरु बेटा, पुणे की बात कर लो, हैदराबाद में है किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरर, कलकत्ता में है किसी का बेटा, अहमदाबाद में है बेटा। लेकिन बेटा ये बोल रहा है चाहे मैन्युफैक्चरर एक जगह पर लोकेटेड है, चाहे कस्टमर ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया लोकेटेड है, तब भी बेटा क्या होता है कहीं ना कहीं वाया चैनल मेंबर ये गुड कस्टमर तक पहुँच ही जाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये चैनल मेंबर क्या होते हैं बेटा, प्यार से हम इन्हें मिडल मैन बोलते हैं बेटा, और टेक्निकली हम इसको बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बेटा होते क्या है ये, मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है बेटा ऑथोराइज्ड एजेंट को, या कुछ लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं। देन बेटा एजेंट बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है सॉरी होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और देन रिटेलर बेटा बेचता है कंज्यूमर को। यानी कि बेटा ये एक जगह पर लोकेटेड है, और कस्टमर बेटा हो सकता है पूरा इंडिया हो सकता है बेटा पूरी दुनिया हो, और बेटा मैन्युफैक्चरर जिम्मा उठाता है कि मुझे गुड्स इनके घर घर तक पहुंचाना है बेटा, इनके डोर स्टेप पे पहुंचाना है बेटा। अकेला मैन्युफैक्चरर इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसको हेल्प लेनी पड़ती है बेटा कुछ मिडल मैन की, इन्हें हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेटा। अभी हमारे कोर्स से ये एलिमिनेट हो चुका है तो इस पर चर्चा फर्दर नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लेस मिक्स में दूसरी बात आती है बेटा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बेटा क्या कह रहा है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। गुड्स मूव कराना बेटा कहां से, बेटा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक बेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी मैन्युफैक्चर हुई बेटा आसाम या दार्जिलिंग में, बेटा कंज्यूम होनी है ऑल ओवर इंडिया, तो बेटा इसकी मूवमेंट यही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे ही हम बोलते हैं बेटा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कैसे गुड्स बेटा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचे, ठीक है ना बाबू। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलाकर कुल मिलाकर सिर्फ 4 बातें, ठीक है, बस 4 बातें बेटा ये समझो और ये टॉपिक खत्म बेटा, ठीक है जी। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन 4 बातों से कंसर्न्ड होता है। सबसे पहली बात है बेटा ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरी बात है बेटा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरी बात है बेटा वेयर हाउसिंग, और बेटा चौथी बात है इन्वेंट्री कंट्रोल। आपको बता देता हूँ बेटा लास्ट एलिमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी किसी की कोई रेलेवेंस नहीं, ठीक है ना। ये कुछ उम्मीद नहीं है मुझे पेपर में आने, सब 11th के मुद्दे हैं बेटा। खैर हल्की बहुत बात मैं करूँगा, फटाफट से फिनिश करेंगे
बेटा कहता है सबसे पहले, ठीक है, आप कंसर्न किससे हो? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। आपको गुड्स पहुंचाना है बेटा जहां प्रोड्यूस हुआ, और वहां तक पहुंचाना है बेटा जहां कंज्यूम होने वाला है। बेटा कहता है सबसे पहली चीज जो मूवमेंट में आती है, सबसे पहली चीज है ऑर्डर। ऑर्डर ही नहीं आएगा तो कहां से मूव करा लोगे गुड्स बेटा? और कहता है बेटा ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है बेटा? बाबू कहता है कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को वाया चैनल मेंबर। कस्टमर ऑर्डर देता है बेटा। बाबू एक रिटेलर के एंगल से सोचो, रिटेलर ने क्या करा? छोटे छोटे कंज्यूमर से ऑर्डर इकट्ठा करा। किसी ने बोला एक यूनिट खरीदनी है, किसी ने बोला दो यूनिट खरीदनी है। इसने बेटा ऐसे 100 लोगों से ऑर्डर इकट्ठा करा और एक बल्क ऑर्डर प्लेस कर दिया होलसेलर को। होलसेलर के एंगल से सोचो बेटा, इसके टच में ऐसे ही बहुत सारे रिटेलर है जो उसको 100-100 यूनिट का ऑर्डर देकर जा रहे हैं बेटा। ये क्या करता है, बहुत सारे रिटेलर से ऑर्डर इकट्ठा करता है और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है एजेंट को। ऐसे ही बेटा एजेंट या ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के टच में बहुत सारे होलसेलर हैं बेटा। ये बहुत सारे होलसेलर से ऑर्डर इकट्ठा करता है और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को। यानी कि बेटा गुड्स यहां से यहां मूव कराने में सबसे पहली चीज तो ऑर्डर है। ऑर्डर भी तो आए ना उस जगह से बेटा। और कहता है ऑर्डर हमेशा कंज्यूमर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को वाया चैनल मेंबर, यानी कि इनके थ्रू ऑर्डर पहुंचता है बेटा मैन्युफैक्चरर तक। पहुंच गया जी ऑर्डर बेटा। सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ऑल्दो यार मेरे को इस पे कोई चर्चा नहीं करनी, ये 11th क्लास का मुद्दा है, लेकिन मैं इक्का दुक्का लाइन बोल देता हूँ, आपको शायद कुछ याद आ जाए कि आपने 11th में क्या पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बेटा बाबू दो बातें हैं ट्रांसपोर्टेशन की रेलेवेंस जानने के लिए ना, दो बातें हैं, रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाना, और बेटा यहां पर गुड्स प्रोड्यूस हुआ फिनिश गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना। बेटा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रोल है। सुनना बाबू, आपने एक जगह चुनी और आप बेटा फैक्ट्री खोलना चाहते हो, बेटा मोबाइल फोन बनाना चाहते हो, और ये जगह का नाम है बेटा नोएडा। लेट सपोज नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया में आपने कोई लैंड ले ली बेटा, आपने फैक्ट्री खड़ी कर दी, और आप यहाँ पर क्या करोगे, सेलफोन प्रोड्यूस करोगे और बेटा पूरी दुनिया में सप्लाई करने वाले हो। बेटा नोएडा में मोबाइल फोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, और इंडिया में भी इतना अच्छा रॉ मटेरियल है ही नहीं बेटा। ये सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अब क्या करता है बेटा इंसान, बाबू इम्पोर्ट करता है चाइना से। बेटा ट्रांसपोर्टेशन का कभी भी मतलब ये नहीं होता बेटा बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन। ये इस मिथ में मत जीना बेटा कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी मीन हो बेटा, सब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, चाहे वो एयर रूट हो, चाहे वो मरीन रूट हो, चाहे वो लैंड रूट हो, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन है। आपने बेटा चाइना ऑर्डर प्लेस करा और रॉ मटेरियल यहां से उठकर आया बेटा नोएडा, यानी कि रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए वी नीड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। गुड्स आ नहीं सकता बेटा अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो। और बेटा यहां पर रॉ मटेरियल आया, आपने मोबाइल फोन प्रोड्यूस करा, अगेन बेटा इसको कंज्यूम कौन है, सिर्फ नोएडा में बिक रहे हैं क्या बेटा ये? नहीं, आपने तो बेटा पूरी दुनिया के लिए बनाया, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया। तो बेटा इस फिनिश गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए अगेन यू नीड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। और बेटा ट्रांसपोर्टेशन की अहमियत इस बात से समझो कि बेटा कोविड आउटब्रेक दो वेव आ चुकी है, एक दिन के लिए ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं कर पाई सरकार। सर एक सिंगल डे के लिए बंद तो करके देखो, अगर आपके शहर में ब्रेड बटर भी आ गया तो बता देना मुझे। डेली बेसिस पे मिल्क की कितनी गाड़ी आती है बेटा, एक पैकेट मिल्क नहीं मिलेगा आपको, दो दिन के अंदर अंदर शहर से मिल्क उड़ जाएगा बेटा। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस इस बात से समझो कि ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद नहीं हो सकता, इसकी ये अहमियत है बेटा बिजनेस के लिए। समझ आई बात बेटा? चलो जी गुड्स पहुंच गया। अगेन बेटा बात करते हैं वेयरहाउसिंग की, ऑल्दो ये भी 11th क्लास का मुद्दा है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कुछ बातें बोल के खत्म करता हूं। बेटा देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दस वी नीड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी। बेटा जितना गुड्स आज प्रोड्यूस हुआ सारा ही आज कंज्यूम हो जाएगा क्या बेटा? ऐसे होता है क्या बेटा? मैं बोलता हूं बेटा अगर ऐसे सोचोगे तो वीट का क्रॉप सीजन 3 महीने होता है बेटा, जितनी 3 महीने में होगी सारी आज खा ली आपने तो अगले दिन आटा कहां से आएगा बेटा? ऐसा होता है बेटा, जितना प्रोड्यूस हो गया उसी दिन कंज्यूम हो गया? नहीं बेटा, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर गुड्स एंड सर्विसेज बेटा एक अलग टाइम पर प्रोड्यूस होता है और एक अलग टाइम पर कंज्यूम होता है बेटा। तो इस टाइम गैप में बेटा प्रोडक्ट को आप स्टोर कहां करते हो बेटा? बेटा यही तो चीज वेयर हाउसिंग का रोल है।
बेटा ये स्टोरेज फैसिलिटी तो वेयर हाउसिंग है, और वेयर हाउसिंग अपने आप में दो बातों को इंक्लूड करती है बेटा, गोडाउन एज वेल एज कोल्ड स्टोरेज। ठीक है ना बेटा, गोडाउन मतलब नॉन पेरिशिएबल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए वी यूज द गोडाउन फैसिलिटी। बेटा अलमीरा है, खराब थोड़ी होती है, पेरिशिएबल गुड्स थोड़ी है बेटा, गोडाउन में फेंक दो बेटा। स्टूल है, खराब थोड़ी होता है बेटा, फेंक दो गोडाउन में बेटा। लैपटॉप है, खराब थोड़ी होता है, गोडाउन में फेंक दो बेटा। ये नॉन पेरिशिएबल प्रोडक्ट है, नॉन पेरिशिएबल प्रोडक्ट हमेशा गोडाउन में स्टोर किए जाते हैं, और पेरिशिएबल हमेशा कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है ना बाबू, जिसको नहीं पता कोल्ड स्टोरेज के बाद में पूछ लेना, ऑल दो मेरी तरफ से ये मुद्दा बिल्कुल फिनिश है। ठीक है जी, तो बेटा आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ लिया, वहां से गुड्स ट्रांसपोर्ट होकर आ गया जी। ठीक है ना बेटा, सारा गुड्स जो आया सारा नहीं बिकेगा, कुछ बचेगा बेटा, उसके लिए आपको स्टोर करने के लिए वेयरहाउसिंग फैसिलिटी चाहिए। एंड लास्ट एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल। इस बात के बारे में बहुत आराम से सुनना बेटा, इसमें फर्दर चार हेडिंग है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या, पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। बेटा आप एक कंज्यूमर हो, और बेटा आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, लेट सपोज टेलकम चाहिए कोई। ठीक है, आपने एक रिटेलर की दुकान पे गए, ठीक है, और रिटेलर ने क्या करा, आपके सामने दो टेलकम उठाकर रख दिए। आपने पूछा कुछ और नहीं है, उसने बोला नहीं। मैं बोलता हूँ दोनों के दोनों आपको पसंद आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि और कोई नहीं है बेटा, आप कुछ भी कर लो और वो कुछ भी जितने मर्जी एफर्ट डाल ले बेटा, आप खरीद के नहीं लाओगे। क्यों बेटा? क्योंकि उसने आपको वैरायटी नहीं दिखाई बेटा। ठीक है ना, और रिटेलर जनरली इस बात के लिए फेमस होते हैं कि बेटा वो क्वांटिटी नहीं रखते, लेकिन वो वैरायटी रखते हैं एक प्रोडक्ट की बहुत सारी। ठीक है ना बेटा, उसने नहीं दिखाई तो आपने खरीदी भी नहीं। बाबू हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आप रखते हो उतना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी कॉस्ट भी उतनी ही ब्लॉक होती चली जाती है बेटा, उतनी कैपिटल टाइड अप हो जाती है बेटा बिजनेस में। सर एक रिटेलर तो ऐसे 200 आइटम बेचता है, अगर वो एक टेलकम के 10 पीस रखे अलग अलग कंपनी के, तो बेटा ऐसे 200 वैरायटी और है, 200 प्रोडक्ट और भी बेचता है बेटा, उन सबकी भी वैरायटी रखे बेटा, ये बहुत बड़ी मजबूरी है बेटा। यानी कि ज्यादा वैरायटी होगी, ज्यादा गुड्स होगा, ज्यादा इन्वेंट्री होगी, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिटेलर की बेटा कैपिटल भी बहुत ज्यादा ब्लॉक होगी। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है बेटा? बैलेंस बिठाना। किस दो चीजों में बैलेंस बिठाना बेटा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द कैपिटल ब्लॉक्ड इन द बिजनेस। एक रिटेलर को चाहिए बेटा इन दोनों चीज में बैलेंस बिठाकर चले, और हर रिटेलर सोचता है मुझे किसी एक्सटेंट तक कस्टमर भी सेटिस्फाई करना है, मुझे अपने पैसों को भी देखना है कि मेरा थोड़े से पैसों में जुगाड़ चलता रहे बेटा, बिजनेस चलता रहे। समझ में आया इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है बेटा? इन्वेंट्री कंट्रोल या हमें बिजनेस में कितनी इन्वेंट्री कैप्ट करनी है, ये चार बातों पर डिपेंड करता है, चार ऐसे फैक्टर हैं जो इसको हम दिमाग में रखते हैं। ठीक है, आपके नोट्स में लिखे गए हैं, पहले आप इतना पढ़ लो और ये पेज नंबर निकाल लो बेटा, बढ़ते हैं हम आगे। बेटा अब इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं चार अलग अलग फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है बेटा फर्म्स पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेटा फर्म की पॉलिसी कैसी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए? बाबू अगेन यहां पर दो बातें हो सकती हैं। फर्म ने अपनी पॉलिसी सेट किया है हर हाल में हमें कस्टमर सेटिस्फाइड करना है। सर फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपकी बेटा पॉलिसी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की है ना, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कीप योर इन्वेंट्री एट द वेरी हाई लेवल, फिर कस्टमर सेटिस्फाई करो चुपचाप बैठ के बेटा, फिर तो इन्वेंट्री ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कीप योर इन्वेंट्री एट हाई लेवल एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब समझदार बच्चों को इशारा काफी बेटा, इकोनॉमिक्स ने इतना प्यारा वर्ड दिया, यानी कि इस बात का अपोजिट कर दो बेटा। बाबू फर्म की पॉलिसी अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो कीप योर इन्वेंट्री एट हाई लेवल, और फर्म की पॉलिसी है यार जिसने सेटिस्फाई होना है हो जाएगा, जिसने नहीं होना नहीं होएगा बेटा, तो कीप योर इन्वेंट्री एट वेरी लो लेवल। समझ आई पहली हेडिंग? ठीक है बढ़े आगे बेटा। सेकेंड हेडिंग का नाम है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। बेटा कहता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, ये बहुत काम की बात है समझना बाबू। कहता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल फोरकास्ट, फोरकास्टिंग करना बेटा फ्यूचर की सेल के बारे में सोचना। कहता है अगर आप अपने बिजनेस की सेल को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो
एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हो बेटा। तो कीप योर इन्वेंट्री एट हाई लेवल, फिर ज्यादा कौन रखेगा। आपको पता है जी, पिछले साल आपने बिजनेस शुरू करा 10 लाख यूनिट बिकी, उससे अगले साल 11 लाख यूनिट बिकी, और अब ये तीसरा साल है, आपका अंदाजा है 12 लाख यूनिट बिकेंगी, और आप एक्यूरेटली फोरकास्ट कर रहे हो बेटा आसपास ही बिकेंगी इसके। तो बेटा आपको इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत क्या है, चुपचाप 12 लाख खरीद के लाओ बस। और बेटा मैं बोलता हूं, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी सेल को कोई एक्यूरेटली फोरकास्ट ही नहीं कर पाया आज तक, पहले साल 5 लाख बिकी थी, दूसरे साल 12 लाख बिक गई थी, तीसरे साल फिर 6 लाख बिकी थी बेटा, तो बाबू आप तो ये सोच कैसे चलोगे बेटा कि ये वही वाला साल है जिस साल 12 लाख यूनिट बिकती है। कीप योर इन्वेंट्री एट द वेरी हाई लेवल। सर अगर मैं एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकता हूं तो ज्यादा इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। अगर मेरे को अंदाजा कि 12 लाख ही बिकेंगी तो मैं 12 लाख एक यूनिट भी नहीं खरीदूंगा बेटा, फिर तो मैं 12 लाख ही खरीदूंगा, मुझे ज्यादा रखने की क्या जरूरत है। लेकिन बेटा अगर मैं मेरा बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं बेटा कभी ज़्यादा बिकता है कभी कम बिकता है, एक साल बेटा बहुत ऊंची सेल जाती है, एक साल बहुत नीचे सेल आती है, तो बेटा फिर तो ये सोच के चलो ये वही साल है जिस साल बहुत ज़्यादा सामान बिकता है। कीप योर इन्वेंट्री एट द हाई लेवल, ठीक है जी, समझ आई बात। बेटा तीसरी हेडिंग है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा नाम से समझो, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है तो कीप योर इन्वेंट्री एट वेरी लो लेवल। मैंने ये बात को हमेशा ऐसे ही समझाया, बेटा आपकी दुकान पर कस्टमर आया, यू आर अ रिटेलर और आपकी जनरल मर्चेंट, जनरल स्टोर है आपका बेटा, और रिटेलर कहता है बेटा फॉग डिओड्रेंट दे दो, और आपने बोला अच्छा ठीक है अभी देता हूँ, लड़के को भेजा जा गोडाउन से उठा कर ला, गोडाउन नहीं उसके पास, पड़ोसी की दुकान को वो गोडाउन बोल रहा है, ठीक है ना बेटा। और बाबू गया छोटू बंदा और गया बेटा पड़ोसी की दुकान से उठा लाया बेटा फोक डिओड्रेंट, और आपने कस्टमर को बेच खाया। बेटा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है तो सर ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत क्या है। आप खुद सोचो, आपने इन्वेंट्री रखी फोक डिओड्रेंट की, नहीं रखी, ठीक है आपको बता देता हूँ इसमें आपने ज़्यादा कमाया। आपने क्या करा बेटा, फोक डिओड्रेंट के ऊपर है MRP 250 रुपये, आपने रिटेल, आपने जो कस्टमर आया बेटा उसको 250 का बेचा, ठीक है, एक रुपया भी आपका नहीं लगा हुआ था इसमें, ठीक है। जब आप पड़ोसी से पूछा कितने पैसे देने हैं, उसने बोला 220, उन्हें बोला मैंने 190 का खरीदा हुआ था, ठीक है ना, आपने 220 उसको दे दिए। सर उसने 190 रुपये लगाए, कैपिटल ब्लॉक करी 190 रुपये और 30 रुपये कमाए, आपने 1 रुपया नहीं लगाया, आपने भी 30 रुपये कमाए। सर अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है फिर इन्वेंट्री को ज्यादा रखने की जरूरत ही क्या है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हेडिंग का नाम ये था बेटा, ठीक है ना। और मैं बोलता हूँ आपका बेटा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता। एक आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो बेटा जो शहर में कोई नहीं बेचता, आपका माल आता है सूरत से, आपका माल आता है दिल्ली से, तो बेटा इतनी जल्दी तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, दिल्ली से माल एकदम आपके हाथ में तो नहीं आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में कीप योर इन्वेंट्री एट वेरी हाई लेवल। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सकता है तो इन्वेंट्री लो लेवल, नहीं कर सकता तो इन्वेंट्री हाई लेवल, ठीक है ना। ये हेडिंग गलत हो जाएगी आज से 10 15 20 साल बाद जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी। पता है आपको बुलेट ट्रेन की स्पीड, मैंने बताया था पिछली बार 540 किलोमीटर पर आवर, 540 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बेटा दिल्ली जाने में 20 मिनट, 180 किलोमीटर है दिल्ली, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोलोगे कोई कस्टमर आया, अभी वेट करो पौना घंटा अभी दे रहा हूँ सामान, और ये बैठे बुलेट ट्रेन में 20 मिनट में वहाँ सामान उठाया, 20 मिनट में यहाँ पौने घंटे में सामान, तब ये हेडिंग गलत हो जाएगी। मैं आज ही विजन मेरा स्ट्रांग चल रहा है तो मैंने कहा बता दूँ आपको 20 साल बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं यार ऑब्वियस बात है ऐसा कुछ होगा नहीं यार, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी कि किराया कई हजारों में होगा, फ्लाइट सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू बुलेट ट्रेन, ठीक है ना। ऑब्वियसली बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप एक फॉग डिओड्रेंट लेने दिल्ली जाओगे। चलो जी बात ओके है क्या, इतनी बात समझ में आई बेटा। लास्ट हेडिंग क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बेटा बस यार सक्षम बेटा, हेडिंग का नाम है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप अपनी दुकान पे ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो बेटा
जिसकी पर यूनिट प्राइस बहुत लो है, बहुत लो पर यूनिट प्राइस है, तो बेटा आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रख सकते हो। अगेन बोलता हूँ बेटा, मैं एक रिटेलर हूँ, आप जर्नल मर्चेंट का काम करते हो बेटा, आप बेटा शैम्पूज भी बेचते हो। शैम्पू बेटा पाउच एक रुपये से स्टार्ट है, एक दो तीन रुपये में आते हैं बेटा। सर जितनी मर्जी इन्वेंट्री रख लो, क्या जाने वाला है एक दो तीन रुपये में आपका, ठीक है ना बेटा। पर यूनिट वैल्यू लो है, कीप योर इन्वेंट्री एट द हाई लेवल। लेकिन बेटा आप ह्यूंडई के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आप बेटा ऑडी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, सर पर यूनिट वैल्यू 80-80 लाख की गाड़ियां कितनी रख लोगे सर? कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। ऑब्वियस बात है बेटा, शैम्पू जितनी इन्वेंट्री नहीं रखी जा सकती ऑडी की, ओके ना बेटा? बात समझ आई? पर यूनिट वैल्यू बहुत कम है तो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखी जा सकती है, पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इन्वेंट्री बहुत कम रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी बाबू। अब रीड कर लेना इसको, थोड़ी देर में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मुझे फिनिश करना है आज नया टॉपिक भी। बाबू टॉपिक का नाम है पब्लिक रिलेशन, आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिरी टॉपिक है बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो प्यारे बच्चों करते हैं इसकी चर्चा स्टार्ट। अभी बताता हूं मेरे चांद बेटा, प्रमोशन मिक्स के अपने आप में पांच एलिमेंट हैं बेटा। सबसे पहला एलिमेंट ऐड, पूरा पढ़ लिया, देन बेटा पर्सनल सेलिंग, फिनिश है बात बेटा, बस इक्का दुक्का बात रहती है। सेल्स प्रमोशन पढ़ लिया, पब्लिसिटी ये छोड़ के जाने लायक टॉपिक है बेटा, ये भी पढ़ लिया हमने बाबू। एंड लास्ट वन इज प्यार, मतलब पब्लिक रिलेशन, पी आर यार, ठीक है। हाँ जी बेटा, पब्लिक रिलेशन, और बहुत आराम से आपने ये बात को समझना बेटा। इसमें मैं दो तीन बातें बताऊंगा, पहले मैं टॉपिक का बेस बता दूं आपको कि टॉपिक का बेस क्या है। बाबू मैं बोलता हूं, एक प्रोडक्ट है ना, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, एक प्रोडक्ट आज एक एडवर्स पब्लिसिटी को फेस कर रहा है। बाबू एग्जाम्पल वही लेके चलते हैं जिनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है बेटा। एक टाइम था जब 2005 के आसपास की बात बता रहा हूँ, पेप्सी और कोक के साथ हुआ था ऐसा, ठीक है ना। और बेटा एक टाइम जो आपने देख लिया है बेटा, जो मैगी के साथ हुआ है, ठीक है ना। प्रोडक्ट इज फेसिंग एडवर्स पब्लिसिटी और चारों तरफ बेटा बस गालियाँ देने वाले लोग, ठीक है ना। चाहे खाई पूरी हो बेटा, ठीक है ना, लेकिन गालियाँ देने वाले लोग चारों तरफ। बाबू अब एक बात समझ के चलना, ऐसे केस में आप प्रमोशन के बाकी एलिमेंट सोच कर देखो मेरे प्यारे बच्चों। आप सामने देखो, आपने ऐड करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट इज फेसिंग एडवर्स पब्लिसिटी, आप करोड़ों रुपए लगा के मैगी का ऐड कर रहे हो, सर आप बताना कुछ मिलेगा बेनिफिट? कुछ नहीं मिलेगा, पता है ना बेटा, और गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना बेटा। पर्सनल सेलिंग क्या आपके लिए कुछ कर पाएगा? पता लगे भाई साहब कोई बंदा आपके ऊपर कंबल डाल दे, ठीक है ना बाबू, और कुछ नहीं होगा, चिताई चुतुई हो जाएगी। पर्सनल सेलिंग कोई करने आया भी तो बेटा, सेल्स प्रमोशन उस टाइम पर कहना शुरू कर दे मैगी एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना, तब भी कोई ना ले, सबको जान पहचानी है भाई, क्योंकि हाई कोर्ट बोल चुकी थी या बहुत सारी लैब से फॉरेंसिक लैब की टेस्टिंग हुई थी जिसने बोला लेड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जो ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक हो सकती है। सर आप कुछ भी कर लो, मेरा मानना यह है आप इन चारों में से कोई टूल यूज कर लो, आपका कोई भला नहीं होने वाला। वेन अ प्रोडक्ट इज फेसिंग एडवर्स पब्लिसिटी, सर आप बच नहीं सकते, आप इन चारों टूल का जितना मर्जी यूज कर लो आपके लिए मदद नहीं करेगा। उस टाइम आपको कुछ बचाएगा तो वो है बेटा पब्लिक रिलेशन। समझ आई बेटा? अभी मैं बताऊंगा पब्लिक रिलेशन क्या चीज है, लेकिन इंट्रो बेटा ऐसे देना जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि पब्लिक रिलेशन की अहमियत क्या चीज होती है। समझ आई बेटा बात? अब समझना बहुत आराम से बेटा, पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है बेटा। इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। पहली चीज होती है बेटा, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है बेटा strengthen the relationship with the various stakeholder, strengthen the relationship with the various stakeholders। बेटा stakeholder word समझते हो, मैं shareholder नहीं लिख रहा हूं, मैं word लिख रहा हूं बेटा stakeholder, हर वो person जो company के साथ किसी ना किसी तरीके से associated होता है उन्हें हम बोलते हैं stakeholder। और एक कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, वर्कर एम्प्लॉइज जुड़े हैं, सप्लायर्स जुड़े हैं, कस्टमर जुड़े हैं, गवर्नमेंट जुड़ी है, कम्युनिटी जुड़ी है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक भी जुड़ा है आपके साथ,
सर पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी रिलेशन को मजबूत करना, स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद द ऑल द स्टेक होल्डर्स, या आप बोल सकते हो वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना, अपनी रिलेशन को मजबूत करना। या बेटा पब्लिक रिलेशन का दो जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है बेटा, प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इमेज। यानी कि बेटा चाहे तो आप ये पोर्शन लिख लो, चाहे आप ये पोर्शन लिख लो, लेकिन पता आपको दोनों के बारे में होना चाहिए बेटा। पब्लिक ये चार वर्ड है, बहुत आराम से समझना। कभी कभी बेटा कोई कंपनी अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल करती है, या बेटा अपने प्रोडक्ट की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है। कभी कभी कोई कंपनी बेटा प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, सिर्फ अपनी इमेज को प्रमोट कर रही होती है, या अपने प्रोडक्ट की इमेज को प्रमोट कर रही होती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है बेटा ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा बेटा, प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और बेटा बता देता हूं, जिन कंपनियों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बड़ा तंदुरुस्त होता है ना, यानी कि बेटा पब्लिक रिलेशन मैनेजर बड़ा तगड़ा होता है बेटा, वो पब्लिक रिलेशन हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, एक रुपया नहीं खर्चते। कुछ बातें बताता हूं आपको, ऐसा हो सकता है बेटा एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वही एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, वही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। बाबू मार्केटिंग तो बहुत बड़ा वर्ड है ना, आप तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो यार, प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्लेस आता है, प्रमोशन आता है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कुछ कंपनियां, जैसे बेटा छोटी कंपनियां है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती अलग अलग डिपार्टमेंट के खर्चे, तो उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वही एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, वही बेटा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी है। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है बेटा मार्केटिंग और एड डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन बेटा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अलग है। कुछ में ऐसा हो सकता है बड़ी कंपनियां, रिलायंस ऐसी बात करोगे तो वहां बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, एड डिपार्टमेंट अलग होता है, और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। सर ध्यान रखना, अगर पब्लिक रिलेशन मैनेजर तंदुरुस्त है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराकर लेकर जाएगा बेटा आपके लिए सब कुछ। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनना बेटा। ब्लैकबेरी इंडिया में आ रही थी, ठीक है बाबू, उनके सीईओज एमडी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे और उन्होंने डिसाइड करा कि हम अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाने वाले हैं, कोई भी जगह, लेट्स सपोज बेंगलुरु, ठीक है जी। अब बेटा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सर एक दो तरीका ये था कि बेटा न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पकड़ लो, पे कर दो उसके लिए, ऑल ओवर इंडिया बेटा ऐड कर लो। उन्होंने कहा चुपचाप बैठे रहो, एक रुपया नहीं देंगे हम, खुद छापेगी मीडिया इस चीज को, हम कुछ ऐसा बोलेंगे। सीईओज ने क्या करा बेटा, बुला लिया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई बेटा, और उन्होंने बताया कि बहुत तगड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे हम आपको। सारी प्रेस मीडिया आकर बैठ गई और बेटा उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट करने का तरीका देखना बेटा, ये नहीं बोला कि हम एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं इंडिया बेंगलुरु में बेटा, अगर ऐसा बोलेंगे बेटा शायद कोई ना छापे, ठीक है ना। उनको तो क्या चाहिए बेटा, कुछ गरम मुद्दा चाहिए, ठीक है ना, आपको भी पता है बेटा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। उन्होंने क्या बोला बेटा, उन्होंने बोला कि हम इंडिया में 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, और अगले 5-7 साल में बेटा ये बढ़ाकर हम 1,00,000 तक ले जाएंगे, और फिर बोला कि हम एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं बेंगलुरु में। तो सर ये एक बड़ा तगड़ा तरीका है पब्लिक रिलेशन करने का, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ बेटा मीडिया में ये हेडिंग नहीं आएगी पहले नंबर पर कि आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हो बेटा, हेडिंग ये लिखी आएगी कि बेटा ब्लैकबेरी या जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ बेटा, ये एक 50,000 बंदों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्यों बेटा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की कमी है, इस चीज़ को वैसे भी मीडिया क्विकली ग्रैस्प करने वाला है, और बेटा हेडिंग लिखी आई। और बेटा जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा, सर चाहे आप ब्लैकबेरी के यूज़र नहीं हो, लेकिन यकीन मानना ब्लैकबेरी आपके साथ अपनी रिलेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर गया ये बात लिखकर। सर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको जरूर ध्यान रखेगा, ध्यान रखना, आप चाहे इसको इग्नोर कर देना पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा आपकी नज़र में एक इमेज जरूर बढ़ेगी ब्लैकबेरी की, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। और बेटा पैसा नहीं खर्चा होगा कंपनी ने इसके लिए, बिल्कुल भी नहीं, एक रुपया भी नहीं खर्चा होगा, पक्की बात। तो कई बार क्या होता है कि अच्छा मैं यहाँ पर बोलता हूँ इस एग्जांपल में, ब्लैकबेरी अपनी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, या उसका प्रोडक्ट एडवर्स पब्लिसिटी फेस कर रहा है, अपने प्रोडक्ट की इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा है। सर हर बार प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बहुत बार ये प्रमोशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। कर प्रमोशन रहे हो लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट,
ये भी बड़ी मजेदार चीज है। समझ आई बात? अब तक मैंने जितनी बातें बोली पब्लिक रिलेशन को लेकर, बढ़े आगे। चलो जी बढ़ते हैं बेटा। बाबू हमारे कोर्स में बहुत सारे पब्लिक रिलेशन टूल्स हैं, ठीक है जी। ये जब CBSE ने बेटा 2013 में टॉपिक इंट्रोड्यूस करा तो ये CBSE ने दिए, ये मेरी खुद की वर्डिंग भी नहीं है, सारी वर्डिंग CBSE की है, ठीक है जी। बाबू 7 टूल्स हैं हमारे कोर्स में, जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं बेटा, साथ के साथ अभी करने हैं खत्म, ठीक है ना। कल का मुद्दा नहीं है बेटा इस पर। बाबू सबसे पहली हेडिंग लिखी गई है प्रेस रिलीज, और फिफ्थ हेडिंग लिखी गई है इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट। मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी जल्दी सुनते चलना बेटा, पहली हेडिंग है प्रेस रिलीज और फिफ्थ नंबर पे हेडिंग है इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट। मैं कंपेयर करा के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इजी होता है पढ़ना बेटा। प्रेस रिलीज, प्रेस से मतलब आप मुझे नहीं पता बेटा किससे समझते हो, लेकिन प्रेस से मतलब होता है प्रिंट मीडिया, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, मेनली बोले तो न्यूज़पेपर, ठीक है ना बेटा। प्रेस रिलीज, और हमेशा ध्यान रखना बेटा, प्रेस रिलीज इवेंट होने से पहले होती है, और इसकी हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव रखी जाती है ताकि मीडिया इसको क्विकली ग्रैस्प करे और इसको अपना फ्रंट पेज दे। जैसे कि अभी मेरे एग्जांपल में हुआ, मैं और भी बातें बता देता हूं इसके लिए। जैसे कि अभी कुछ दिन बाद फ्लिपकार्ट और अमेजोन करने वाले, हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव होगी बेटा कि मीडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा उसको फ्रंट पेज देने के अलावा। जैसे कि बिग बिलियन वीक या बिग बिलियन डे, बस हो गया काम, उन्होंने कुछ नहीं कहना बेटा, सब कुछ मीडिया कहेगी उसके बाद, ठीक है ना। एक रुपया नहीं देते बेटा वो मीडिया को उस चीज के लिए, हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव है मीडिया के पास मजबूरी है बेटा उसको फ्रंट पेज पे छापना, और पूरा पेज दे देंगे उसे उठाकर बेटा अपना, ठीक है ना। यानी कि प्रेस रिलीज हमेशा इवेंट से पहले होती है, और बेटा इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट जो फिफ्थ हेडिंग मैंने बोली, ये हमेशा इवेंट के बाद होती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, जब लास्ट टाइम बेटा बिग बिलियन वीक खत्म हो गया, वो दिवाली वीक खत्म हो गया, तो उसके बाद ना मैंने देखा एक और पूरा पेज भरा हुआ आया बेटा फ्लिपकार्ट, और बेटा क्या बता रखा था, स्टैट्स दे रखे थे अलग अलग कि इस हफ्ते में कितना सामान बेचा। बेटा पहले तो अमाउंट्स में बताया कि इतने लाख या पता नहीं इतने हजार करोड़ का सामान बेचा कंपनी ने, दिवाली के जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं बेटा वो इतने बेचे कि बेटा कई मीटर का एक पहाड़ इकट्ठा किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कितने मीटर का पहाड़ इकट्ठा हो सकता है, शायद कुछ माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करा उन्होंने, कि इतने बल्ब बेचे हैं कि एक पहाड़ ना इकट्ठा हो जाता। इतने मोबाइल फोन बेचे थे बेटा कि पिछले 3 या 5 साल में इंडिया में नहीं बिके थे ऑफलाइन, मतलब ऐसे उन्होंने बड़े सारे स्टैट्स छाप दिए बेटा। सर ये क्या है, ये इवेंट हो जाने के बाद है, प्रेस रिलीज इवेंट से पहले होती है, लेकिन इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट इवेंट के बाद होती है। समझाने के लिए एक और बात बोलता हूं जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बेटा। आपके स्कूल में किसी भी डे का सेलिब्रेशन है, लेट्स सपोज रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और आपके स्कूल ने क्या करा बेटा, चीफ गेस्ट के तौर पर डीएम को बुलाया, डीएम एसएसपी ऑफ सहारनपुर को बुलाया, ठीक है। सर आपको पता है जहाँ डीएम एसएसपी जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, मीडिया ने पीछे भागे, ठीक है, मीडिया भी पीछे पीछे, ठीक है जी। 2-4 पे क्लिक हुई, कहीं ना कहीं बेटा उनको बाबू नेशनल एंथम के लिए भी इन्वाइट किया होगा या लंच डिनर के लिए भी इन्वाइट किया होगा, जो भी जैसे भी सिस्टम रहा होगा। अब बेटा अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है, ये इवेंट होने के बाद है बेटा, इवेंट हो चुका है, 15 अगस्त सेलिब्रेट हो चुका है, ये 16 अगस्त को सुबह के न्यूज़पेपर में बेटा एक पिक आती है जहाँ डीएम एसएसपी खड़े हैं बेटा, या आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैनेजर खड़े हैं या और कुछ टीचर्स खड़े हैं बेटा, और वो नेशनल एंथम में खड़े हैं, और पिक क्लिक हुई है, ठीक है ना, और बोला गया फला फला स्कूल ने 15 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा, इन इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, ये फंक्शन था बेटा, ऐसे लंच था, ऐसा डिनर था, और ये सब कुछ। सर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, आपका स्कूल बहुत समझदारी से 2-3 काम कर गया। पहली बात, पे करा उन्होंने इस चीज के लिए, सर मतलब ही नहीं, डीएमएसएसपी के पीछे तो खुद आएगी मीडिया, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ना तो आपने पे करा, ठीक है, न्यूज़पेपर की शान भी रहे, ठीक है ना। अब क्या आपने डीएम और एसएसपी के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन किया कि नहीं, बुलाकर उनको इन्वाइट कर? सर किया, पक्का किया होगा बेटा। और जो पब्लिक के मेंबर अब देख रहे हैं, सर सोसाइटी भी तो देख रही है, आपका सारा शहर देख रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बेटा, यार ये स्कूल बहुत अच्छा है, हर साल कोई इवेंट कराता है, बाकी सब स्कूल छुट्टी कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बेटा आपने उनके साथ एक रिलेशन को स्ट्रेंथन कर लिया।
समझ आई बेटा बात? बात ओके बेटा। प्रेस रिलीज इवेंट हो जाने से पहले, इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट इवेंट हो जाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? सेवेंथ हेडिंग इज वेबसाइट। बाबू जितने मैं वर्ड बोलूंगा ना बहुत आराम से सुनना, क्योंकि लिखना आपको ऐसे है बेटा। वेबसाइट का काम होता है, किसी भी कंपनी की वेबसाइट का काम क्या होता है बेटा? मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करना, मेंबर्स भी और नॉन मेंबर्स भी। समझाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर बेटा। Amazon Prime, Netflix, किसी का भी नाम लो आज की तारीख में आप बेटा, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनका, यू आर अ मेंबर, ठीक है। वेबसाइट आपके लिए है, वेबसाइट आपके लिए है, आपके लिए है सर। सर नॉन मेंबर्स के लिए वेबसाइट नहीं है? मैं अगर Amazon Prime की वेबसाइट खोलूँ या Netflix की वेबसाइट खोलूँ, वेबसाइट नहीं खुलेगी सर? खुलेगी 100%। और आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे लिए भी फ्री होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा जिसने सब्सक्रिप्शन लिया सब कुछ उसी को मिल रहा है। बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी होंगी जिनका पहला एपिसोड मेरे लिए फ्री होगा। सर वेबसाइट का काम सिर्फ मेंबर के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करना नहीं होता, नॉन मेंबर्स के साथ भी होता है। मैं आपको और बड़े एग्जांपल दे देता हूं आज की तारीख में आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। बेटा आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, बहुत सारी आज की तारीख में वेबसाइट और एप्लीकेशन आ चुके हैं। किसी का नाम ले लो, बायजूस, वेदांतु, जिसका अनअकैडमी, यूडेमी, जिसका मर्जी नाम ले लो। सर मेंबर के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? कर रहे हैं जी। आप सब्सक्रिप्शन लो, आपके लिए सैंपल पेपर फ्री, CBSE के पास्ट ईयर पेपर, पता नहीं क्या क्या फ्री। लेकिन बेटा आप नॉन मेंबर हो, आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, उनके MCQ बेटा आपके लिए भी फ्री हैं। कुछ कुछ वेबसाइट बेटा कोई 10, किसी ने 10 डाले हैं, किसी ने 15 डाले हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ भी तो रिलेशन जोड़ने की कोशिश कर ही रहा है वो। समझ आई? क्लियर है बेटा बात? अब तक बात में कोई दिक्कत तो नहीं? बड़े आगे बेटा, वेबसाइट के लिए वर्ड ध्यान रखना, मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर, क्योंकि मैं किसी जगह पे कंपेयर करूंगा इसको, ठीक है ना। अभी अगली हेडिंग के बाद कंपेयर करूंगा बेटा। नेक्स्ट हेडिंग, सिक्स हेडिंग पढ़ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार। ऑल दो बेटा लोगों को लगता है ये रिलेशन स्ट्रेंथन करने का तरीका अच्छा है, मुझे तो लगता है यार इससे ना आपकी रिलेशन खराब होती, अच्छी तो नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि बेटा कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में बुलाने का तरीका बड़ा गलत होता है, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल भी दे रखे इसके ऊपर 2-3 बेटा आपको, ठीक है ना। एक टाइम का इंसिडेंट मेरे साथ भी है, ठीक है ना। पहले वो बता देता हूँ जो जनरल केस में है बेटा। बाबू एक कंपनी आई सहारनपुर के, सारे स्कूल विजिट करे और पता नहीं क्या लड्डू खिलाया सारे स्कूल को कि प्री प्राइमरी के लिए हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ठीक है जी, याद आ गया होगा एग्जाम्पल। प्री प्राइमरी के लिए हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो बेटा हर स्कूल में कंपटीशन कराया, पेरेंट्स के नंबर ले लिए स्कूल से, पता नहीं क्या ही खिलाया भाई स्कूल को। और उसके बाद भाई साहब 5 से 6 दिन के बाद हर एक बच्चे के घर कॉल, हर बच्चे के घर, किसी कोई नहीं छोड़ा बेटा शहर का बच्चा जिसने पार्टिसिपेट किया, सबके घर कॉल करके कह दिया आपका बच्चा फर्स्ट आया है फला वाला होटल में, हमने इसके ऑनर में एक पार्टी रखी, आपने आना है। भाई पेरेंट्स को लगता है यार क्या बड़े प्राउड के वेलिंग है, मेरे बच्चे ने टॉप किया, सारे शहर में टॉप कर दिया, बुला लिया भाई। अब प्राइज लेने पहुंचे और सामने सेमिनार चल रहा, वो भी इंश्योरेंस का, सामने सेमिनार चल रहा है इंश्योरेंस का, आपको बोल रहे हैं बेटा आपके बच्चे ने टॉप किया ड्राइंग कंपटीशन में, और बिठा दिया भाई साहब लाइन लगा के सारे पेरेंट्स को, 1000 बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं बेटा, ठीक है ना। और बेटा 2 घंटे तक पूरा इंश्योरेंस के बारे में बताया, आप उठ के जा नहीं सकते क्योंकि आप आए बड़े गलत मीन्स से हो, ठीक है ना। आप रिवॉर्ड लेने आए हो बेटा, आप कैसे चले जाओगे, ठीक है ना। 2 घंटे तक इंश्योरेंस के बारे में बताया और 5 मिनट में बेटा सबको एक एक मेडल देकर बेटा घर भेज दिया, कहते हैं हो गया ऑनर, सबका बच्चा फर्स्ट आया। सर उन 2000 पेरेंट्स में से किसी एक ने इंश्योरेंस करा लिया अपने बच्चे का, बस हो गया उनका काम, उन्हें और कुछ चाहिए। सर कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है ना, रिलेशन बनाने का, लेकिन बेटा बुलाने का तरीका बड़ा गलत होता है, ठीक है ना। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था एक इंसिडेंट, एक मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है ना, उनके साथ मेरा ठीक ठाक प्यार है, कुछ लोन की फाइल्स आती हैं तो उनको कहता हूँ बेटा वो कर देते हैं लोन, ठीक है ना। अब होता क्या है मैटर, एक दिन कॉल आती है, सर जी मनीष जी आपने उस होटल में आना है, ठीक है ना, एक मीटिंग है हमारी SBI की लोन से रिलेटेड। मैं अच्छा ठीक है सर आ जाऊँगा। अब मैं मना नहीं कर पाया, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे लिए इतना करते हैं। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं मैं आ जाऊँगा। मैं पहुँचा, भाई साहब SBI ने कॉलोनी को फाइनेंस कर रखा है, जो कॉलोनी बन रही है कहीं करनाल में, और उसके फ्लैट बेच रहे हैं वहाँ पर बैठ के। मैं कहा भाई कहाँ फंस गया मैं, 1.5 घंटा भाई साहब मेरा टपा, बहुत मुश्किल सर पकड़ पकड़ के, अपने फ्लैट की फीचर्स बताई जा रहे हैं बेटा, क्या क्या नहीं उन्होंने बताया, सर खप गया मेरा बेटा।
तो बुलाने का तरीका बड़ा इलीगल। आप सोसाइटी के साथ रिलेशन तो स्ट्रेंथन करना चाहते हो बेटा, लेकिन बुलाने का तरीका बड़ा खराब है आपका। समझ आई बेटा चार बातें? बाबू पिछले पेज पर वापस आओ। बेटा पिछले पेज पर थर्ड या फोर्थ हेडिंग लिखी गई होगी, फोर्थ हेडिंग शायद न्यूज़लेटर। ठीक है बाबू, समझना जरा न्यूज़लेटर क्या होता है। बाबू अगेन मैं बात चल रही है प्रिंट मीडिया की। बाबू ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट करती है, इट इज लेसर देन अ मैगजीन। ये मैगजीन नहीं होती, न्यूज़लेटर कोई मैगजीन नहीं होता। मैगजीन तो बेटा बहुत बड़ी होती है, कभी 100 कभी 125 कभी 150-200 पेज की। न्यूज़लेटर सिर्फ 3 से 4 पेज में समअप हुआ होता है। मैंने लास्ट ईयर आपको न्यूज़लेटर दिखाया भी था, लास्ट टाइम बेटा जब पढ़ाया था। ठीक है ना बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़लेटर को पब्लिश करती है बेटा अपने किसी मेंबर की अचीवमेंट को दिखाने के लिए। और बेटा न्यूज़लेटर का एक्सेस सिर्फ मेंबर्स को होता है, नॉन मेंबर्स को नहीं होता। इन वर्ड की अहमियत एमसीक्यू में पता लगेगी आपको। वेबसाइट का एक्सेस सबके लिए है बेटा, मेंबर नॉन मेंबर, लेकिन न्यूज़लेटर सिर्फ मेंबर को मिलते हैं। मैंने आपको शायद दिखाया भी था किसी टाइम पर, सरस्वती विहार ने पब्लिश किया था बेटा। ठीक है ना, अपने मेंबर के अचीवमेंट को दिखाने के लिए उसमें बेटा 3 लोगों ने कहीं ना कहीं नेशनल में टॉप किया था, एक मैं था बेटा। ठीक है ना, तो 4 पेज का उन्होंने न्यूज़लेटर पब्लिश किया। ये मैगजीन नहीं होता कभी भी, ये कोई 150-200 पेज नहीं है, सिर्फ 4 पेज हैं। और सारे स्कूल के बच्चों को दिया, सारे स्कूल के टीचर्स को दिया, किसी आउटसाइडर को। ठीक है ना, ये किसी नए बच्चे के साथ रिलेशन जोड़ने का तरीका नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ मेंबर्स के साथ रिलेशन जोड़नी है। ठीक है ना, ओ लोग के अभी तक बात में कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाएं आगे, बस 2 बातें हैं बेटा, फिनिश करते हैं। बाबू थर्ड हेडिंग है ब्रोचर, पहले ब्रोचर की बात करते हैं। अगेन बेटा ब्रोचर भी बेटा किसी ना किसी से रिलेशन स्ट्रेंथन करने का तरीका है। मैं याद करा देता हूँ जिनको याद आता है बेटा, जिनको नहीं आता वो सुनना। बेटा स्टाफिंग में हमने एक हेडिंग पढ़ी थी ओरिएंटेशन, याद है आपने? एक हेडिंग पढ़ी है स्टाफिंग प्रोसेस में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? नए एम्प्लॉई को फैमिलियर करना विद द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन मिशन विजन ऑब्जेक्टिव। याद है बेटा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट। नया एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानता मेरी, उसे बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन का CEO कौन है, MD कौन है, प्रमोटर कौन था, रूल्स रेगुलेशन क्या है हमारे यहाँ के। बेटा आपका सुपीरियर कौन होगा, आपको किससे ऑर्डर लेना है, आपका सबॉर्डिनेट कौन है, किसको ऑर्डर देना है, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल हो, आपके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल है, सब बताना। ये होता है ओरिएंटेशन। सर ओरिएंटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मॉडर्न जमाने में बेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक प्रेजेंटेशन रूम में ले जाती है। प्रेजेंटेशन रूम रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रेजेंटेशन रूम में ले जाकर आपको क्लिपिंग्स दिखाई जाती है बेटा। प्रमोटर की फोटो दिखाई गई, बताया गया कि ऐसे ऐसे प्रमोटर है, इस टाइम पर इसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, इसका मिशन विजन ऑब्जेक्टिव ये था। फिर बताया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, MD कौन है बेटा। ऐसे क्लिपिंग दिखा दिखा के बेटा खत्म कर दिया गया ऑरिएंटेशन को, आपको फैमिलियर कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सर ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका है बेटा ब्रोचर्स। ब्रोचर क्या होते हैं बेटा? जैसे वो प्रेजेंटेशन है बेटा, ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है। और बेटा आपको पकड़ा दिया नए एम्प्लॉई को, देखो पढ़ो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कौन CEO है, कौन MD है बेटा, क्या क्या इनके मिशन विजन ऑब्जेक्टिव हैं, काम स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ में पहुँच रहे हैं, सब कुछ पढ़ लो जी। तो बेटा ये नए एम्प्लॉई के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है। एक वर्ड लिखा होगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे ब्रोचर को, तो बेटा एक वर्ड लिखा है USP बताना। USP समझते हो बेटा? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बेटा आपकी कंपनी के पास ऐसा क्या यूनिक है जो दूसरी किसी कंपनी के पास नहीं है बेटा, ये बताना बेटा USP होता है। बेटा आप अपने एम्प्लॉई को बता रहे हो कि हमारी USP क्या है जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। बेटा हर इंडस्ट्री में बेटा कोई ना कोई ऐसी कंपनी जरूर होती है बेटा जो लीडर होती है, जो बेटा मार्केट चलाती है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। फोग इज द नो गैस परफ्यूम, फर्स्ट नो गैस परफ्यूम ऑफ इंडिया, तो ये उसकी USP है बेटा। सबने कॉपी करा है लाइन लगाकर उसको एक एक करके, मानते हो ना बेटा? तो ये उसकी USP है, ये उसके पास ऐसी यूनिक चीज है जो किसी और के पास नहीं है। तो बेटा ब्रोचर में सब बातें लिखी रहती है। ठीक है जी, बढ़े आगे बेटा। लास्ट हेडिंग है प्रेस किट। बेटा प्रेस किट, अगेन प्रेस
यानी कि मेरी बात चल रही है प्रिंट मीडिया से, और प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, मेनली न्यूज़पेपर, मैगजीन भी हो सकता है। बेटा प्रेस किट सबसे ज़्यादा डिटेल्ड होता है। जब एक कंपनी क्या करती है बेटा, अपने सारे प्रोडक्ट छाप देती है, कुछ छोड़ती नहीं बेटा। जब बेटा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रो दे देती है बेटा, और ये तक बता देती है बेटा कि हमारा प्रोडक्ट किस किस लोकेशन पे कहाँ कहाँ मिलता है, हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी कौन कौन है बेटा, ठीक है ना बेटा। रीप्रिंट कर देती है कमेंट्स को, जो कस्टमर ने फेवरेबल कमेंट किए होते हैं बेटा, उनको रीप्रिंट करके बेटा एक कोलाज सा बना के बेटा छाप देती है। ये सब प्रेस किट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास एक बुक नहीं है, मैं आपको दिखाता जरूर। टुगेदर विद की बुक उठाओगे ना बेटा, सबसे लास्ट पेज उठाकर देखना, उन्होंने बताया दिल्ली में हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, पांच के नाम बेटा। सहारनपुर में कौन है, वाराणसी में कौन है, भाई साहब एक पेज में दुनिया जहान की चीजें बताई हुई है। ये बताया हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, टुगेदर विद इस सब्जेक्ट में आता है, इस सब्जेक्ट में आता है, इस सब्जेक्ट में आता है, इस क्लास में आता है, यहाँ यहाँ आता है बेटा, सब कुछ बता रखा है एक पेज में बेटा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है प्रेस किट का, ठीक है जी। तो पब्लिक रिलेशन टूल फिनिश हो जाते हैं बेटा, आज का टारगेट पूरा है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।